विकास कम हुआ है, बहुत कम। अच्छा जी, महत्वाकांक्षी नल जल, नल जल नहीं है, यहाँ का रोड नहीं है, यहाँ का पुल पजारी नहीं है, और कुछ गरीबों का घर फंड नहीं मिला है, कोई साधन यहाँ पर नहीं है, नहीं स्कूल है, नहीं आंगनबाड़ी है। क्या बात, सही बात नहीं है? कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं। इसका शिकायत आप लोग करते हैं? शिकायत करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। किससे शिकायत किए हैं आप लोग? हर मुखिया से करते हैं, कहीं कहीं करते हैं लेकिन कोई करता नहीं है। अभी हम मौजूद हैं रामनगर प्रखंड के गुदगुदी पंचायत के चुड़ीहारवा गांव में। अगर इस गांव की बात किया जाए तो विकास की मुद्दों का पोल खुलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक यहां महत्वाकांक्षी योजना नीतीश कुमार के साथ नीचे योजना में से कोई भी विकास नहीं हुआ। यहां पर हमारे साथ मौजूद इस गांव के ग्रामीण है, यहां से हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे क्या यह गाँव में विकास हुआ है कि नहीं। अभी हम आपको बता दें कि मात्र कुछ दिन पहले यहां पर आजादी के कुछ सालों के बाद पहली बार एसडीएम साहब का दौरा हुआ था, जहां पर एसडीएम साहब को लोगों ने यहां पर घेरा था और अपनी विकास की मुद्दों को उनको बताया था, जिसको लेकर उन्होंने बीडीओ साहब जितेंद्र कुमार सिन्हा को आदेश दिया था कि विकास की मुद्दा यहां पर क्यों नहीं है और कब तक होगा, जिसको लेकर हम यहां इनसे ग्रामीणों से हम बात करेंगे आखिर यहां पर विकास हुआ कि नहीं है। जी, आपका नाम? गंगाराम। एक बात बताइए, यहां पे देखा जा रहा इस गांव में तो मतलब क्या हुआ, अभी विकास हुआ है कि नहीं? विकास कम हुआ है, बहुत कम। अच्छा जी, महत्वाकांक्षी नल जल, नल जल नहीं है, यहाँ का रोड नहीं है, यहाँ का पुल पजारी नहीं है, और कुछ गरीबों का घर फंड नहीं मिला है, कोई साधन यहाँ पर नहीं है, नहीं स्कूल है, नहीं आंगनबाड़ी है। स्कूल नहीं है तो कहाँ जाते हैं बच्चे? और बच्चे गुदगुदी पंचायत में 3 किलोमीटर जाते हैं, और कोई को ठोकर लग जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं बच्चों तो नहीं पढ़े जाते हैं। और एक बात, आपके गांव में जो होता है कि मतलब सड़क बना है कि नहीं? सड़क नहीं बना है। और कब से ही नहीं बना है? अभी मुखिया? अभी कभी नहीं बना है, भरवा कर एक बार छोड़ दिया गया, वो स्थिति पड़ा है। मुखिया जी कभी आते हैं आपके यहाँ? कभी नहीं, हमारे पास नहीं आते हैं, नहीं गांव में घूमते हैं, आते हैं तो किसी से बात कर बाहर बाहर चले जाते हैं। और भी हमारे साथ ग्रामीण है, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे क्या सच में यहाँ पे मुखिया जी का दौरा होता है कि सिर्फ चुनावी रोटियां सेकने ही यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम पूछते हैं इनसे, जी आपका नाम? जग्गू राय। यहाँ पे जैसे लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं है, सड़क नहीं है, क्या बात, सही बात नहीं है? कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं। इसका शिकायत आप लोग करते हैं? शिकायत करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। किससे शिकायत किए हैं आप लोग? हर मुखिया से करते हैं, कहीं कहीं करते हैं लेकिन कोई करता नहीं है। क्या करते हैं मुखिया जी? मुखिया जी आते नहीं है, मुखिया जी अपने हित में जो भी काम किया है, नहीं है, हित में काम करते हैं, फंडे नहीं है, फंडे नहीं है, कहते हैं फंडे नहीं है, हमको वोट नहीं मिला है चिड़ियारवा से। अच्छा, मतलब जो भी चुनाव का जब जाते हैं आप लोग तो मुखिया जी कहते हैं कि मेरा गांव से वोट नहीं मिला है इसलिए हमें यहां पर सड़क नहीं बनाई, ऐसा बात है क्या? हाँ, ऐसा ही बात है। और भी हमारे साथ हैं यहां पे, हम बात करेंगे जो सभी लोग हैं उनको, यहां पे जो बात को सच्चाई है वो कहां तक, यहां पर आप देख सकते हैं पुलिया, इस गांव के सड़क भी मतलब आने जाने का आजादी के बाद भी गाँव में अभी तक लोग नहीं है। जी आपका नाम? क्या यहां पर सड़क नहीं है, शौचालय है कि नहीं है? नहीं, शौचालय भी नहीं है। बताइए, चुनाव है, मुखिया जी का चुनाव है, मुखिया जी आते हैं कभी? बहुत कम। कब? तो बताइए सड़क के मुद्दा आप लोग बताएं कभी मुखिया जी से? हाँ, बात तो की है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं जी मेरे पास फंड नहीं, फंड नहीं है तो नहीं कहते हैं कि किसी काम से लड़ेंगे, चाहे चलिए आप लोग हम बनवाएंगे। हाँ, कहते हैं जी अगला बार देखा जाएगा। और भी यहाँ पे ग्रामीण है, इनसे हम बात करते हैं। जी, राहुल नाम? महेश गिरी। स्कूल भाई वहाँ ना? मुखिया जी अभी तक का विकास के लिए बने बहुत कुछ बोल बाजा और गांव में विकास के मतलब मुद्दा जैसे नल जल कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं कही जाए कहे नहीं की ना बताने के लिए काम ऐसी कर। ऐसे ही तमाम लोगों से बात करने के यही हमें लगता है कि अगर बात किया जाए इस गांव की तो मुखिया जी का कहना है कि लोगों का आरोप है कि मुखिया जी सिर्फ वोट के लिए रोटियां सेके हैं, और जब हम लोग विकास के मुद्दे की बात करते हैं तो कहते हैं कि इस गांव से हमें वोट नहीं मिला है इसलिए हम सड़कें यहां पे निर्माण नहीं कर सकते हैं। और आजादी के बाद ऐसा गांव है चुड़ियारवा जहां आने का रास्ता है न जाने का रास्ता है, और यहां पे ऐसे लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले पानी की वजह से जब बाढ़ आया तो रास्ता नहीं होने के कारण कुछ लोगों का यहां पर डेथ हो चुका था,
और यहाँ गंगा राम उनका नाम था, गंगा जादू जिनका यहाँ पे डेथ हो गया था। और एक बात और बता दें आपको, जो महत्वाकांक्षी योजना नीतीश कुमार के जो बहुत विकास की बातें होती है, इस धरातल पर आकर चुड़ियारेवा गांव में सब फिसल जाती है, यानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है, कोई भी विकास की मुद्दा नहीं दिखाई देता है।